तो फाइनली दोस्तों, आज एक बार फिर से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बॉलीवुड की दो खतरनाक फिल्मों के बारे में। पहले तो सुपरस्टार अजय देवगन की भोला मूवी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अपने 3 हफ्ते पूरे करके 4थे हफ्ते में एंट्री ले चुकी है और काफी अच्छी कमाई कर रही है। और दूसरी बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। तो अगर आपको जानना है इन दोनों फिल्मों ने अब तक इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जाते रहते वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूँ सुपरस्टार अजय देवगन की भोला मूवी के बारे में। इस मूवी ने शुरुआती 22 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 88 करोड़ 28 लाख की कमाई की और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती 22 दिनों में 19 करोड़ 80 लाख रुपए कमाने में कामयाब रही। और उसके बाद ये फिल्म अपने 23वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 40 लाख रुपए कमाती हुई नजर आ रही है और 24 दिन की कमाई करीब करीब 50 लाख रुपए की हो रही है। लेकिन अपने 25वें दिन लगभग 2 लाख की एडवांस के साथ फिर से एक बार 50 लाख रुपए कमा रही है। और इस तरीके से भोला मूवी 25 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब करीब 89 करोड़ 89 लाख रुपए कमा रही है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 122 करोड़ 10 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर रही है। लेकिन दोस्तों, सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान की वजह से भोला मूवी का कलेक्शन काफ़ी नीचे चला गया और ये फिल्म सलमान खान के आगे नहीं टिक पा रही। और सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान हर दिन अपने कलेक्शन में ग्रोथ दिखा रही है क्योंकि इस फिल्म ने अपने पहले इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ रुपए कमाए और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ 30 लाख रुपए कमाने में कामयाब रही। और इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब करीब 20 करोड़ रुपए कमाती हुई नजर आई। लेकिन दोस्तों, तीसरे दिन की कमाई लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए एडवांस के साथ करीब 22 करोड़ रुपए की हो रही है। इस तरीके से ये मूवी शुरुआती 3 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 500 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर सकती है या फिर नहीं? और इसी के साथ आप इस मूवी को हिट कहोगे, सुपर हिट कहोगे, ब्लॉकबस्टर कहोगे या कहोगे फ्लॉप? दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको सलमान खान की मूवी की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूँ सुपरस्टार अजय देवगन की भोला मूवी के बारे में। इस मूवी ने शुरुआती 22 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 88 करोड़ 28 लाख की कमाई की और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती 22 दिनों में 119 करोड़ 80 लाख रुपए कमाने में कामयाब रही। और उसके बाद ये फिल्म अपने 23वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 40 लाख रुपए कमाती हुई नजर आ रही है और 24 दिन की कमाई करीब करीब 50 लाख रुपए की हो रही है। लेकिन अपने 25वें दिन लगभग 2 लाख की एडवांस के साथ फिर से एक बार 50 लाख रुपए कमा रही है। और इस तरीके से भोला मूवी 25 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब करीब 89 करोड़ 89 लाख रुपए कमा रही है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 122 करोड़ 10 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर रही है। लेकिन दोस्तों, सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान की वजह से भोला मूवी का कलेक्शन काफी नीचे चला गया और ये फिल्म सलमान खान के आगे नहीं टिक पा रही। और सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान हर दिन अपने कलेक्शन में ग्रोथ, क्योंकि इस फिल्म ने अपने पहले इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ रुपए कमाए और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ 30 लाख रुपए कमाने में कामयाब रही। और इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब करीब 20 करोड़ रुपए कमाती हुई नजर आई। लेकिन दोस्तों, तीसरे दिन की कमाई लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए एडवांस के साथ करीब करीब 22 करोड़ रुपए की हो रही है। इस तरीके से ये मूवी शुरुआती 3 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में 500 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर सकती है या फिर नहीं? और इसी के साथ आप इस मूवी को हिट कहोगे, सुपर हिट कहोगे, ब्लॉकबस्टर कहोगे या कहोगे फ्लॉप? तो वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको सलमान खान की मूवी की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले।